नमस्कार, मैं हूं दीपक। सो पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से 74वीं स्वाधीनता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके ये वीडियो को बीच में से मत रुकिए, कट मत कीजिए, अंतिम तक देखिए। ये आपको मेरा विनम्र निवेदन है। तो आपका बहुमूल्य समय कुछ मुझे दीजिए, ये आपके लिए कुछ मदद भी ला सकता है। तो ये जो वीडियो में बनाने वाला हूँ, 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर बनाने वाला हूँ। सो करोना वायरस के वजह से आप लोग सभी को पता है, स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट में मिल सकता है, यूट्यूब में 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज होगा, और UN Academy आप बोल सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें भी आपको मिल सकता है 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो मेरा वीडियो आप लोग क्यों देखेंगे, क्यों आपका टाइम वेस्ट करके मेरा वीडियो देखेंगे? तो मेरे वीडियो में क्या खास बात है, क्यों मेरा वीडियोस को आप लोग देखेंगे? सो वही बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है वो तो आसान है, लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, जो 9th स्टैंडर्ड में कम मार्क लाते हैं, जिसको मैथमेटिक्स के नाम में नफरत है, वो सबसे ज्यादा जो डर रहता है उसके मन में बैठ गया है वो है मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स में ही सबसे कम मार्क लाते हैं, अदर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कम मार्क लाने की वजह से परसेंटेज कम हो जाता है। मैथमेटिक्स में जो बच्चे वीक है, जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, जो मैथमेटिक्स अभी तक नहीं किया है, तो उन बच्चे के लिए जो मेरा चैनल है, वो जो मैं वीडियो आगे पुस्ट करने वाला हूँ, उनके लिए बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल्स में सब पूरा घिसा पिटा के ऐसे नहीं करने वाला हूँ। जो जो चाहिए, जो आपको एग्जाम में चाहिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कम पढ़ के आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। आपका क्वेश्चन पेपर्स को मैं अच्छे से स्टडी किया हूँ, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को इतना ही निवेदन है कि प्लीज़ 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 ये जो मेरा वीडियो है आप लोग शेयर कीजिए। लाइक नहीं करना है तो मत कीजिए, कमेंट भी नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लाइफ का चेंज पॉइंट भी हो सकता है। वो वीडियो जाके किसी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के पास भी पहुँच सकता है, जो मैथमेटिक्स में वीक है, वो उसको ये मदद कर सकता है। तो आपके घर में कोई भी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स नहीं है, तब भी आप ये शेयर कीजिए आपके रिलेटिव्स को। आपके रिलेटिव्स के घर में भी कोई भी नहीं है, तब भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे शेयर होते होते किसी का मदद भी हो सकता है। तो आपको यही निवेदन है कि प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे पता नहीं आपको क्या करना है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। सो मेरा जो क्लासेस रहने वाला है वो स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर रहेगा, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आता है आपको 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में। तो ये मैं जो सिलेबस फॉलो करने वाला हूँ वो CBSE NCERT का होने वाला है, लेकिन आप उड़ीसा में पढ़ रहे हो, या कर्नाटक में पढ़ रहे हो, या आंध्र में पढ़ रहे हो, या महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, जिसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जो टॉपिक्स रहता है वो ज़्यादातर सभी बोर्ड में सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ट्रिगनोमेट्री का। ट्रिगनोमेट्री उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, CBSE में तो है ही है, आंध्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, सभी स्टेट में वो है। तो उसके ऊपर हम अच्छे से फोकस करेंगे, जैसे वही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो आपको मदद करेगा आगे जाकर, और आप लोग अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। सो आज थोड़ा बेसिक्स में देने वाला हूँ, पर CBSE जो मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का है, आपको पता चलेगा जो फर्स्ट चैप्टर नाम क्या है, रियल नंबर। इसमें से आपको मिलेगा कितने मार्क्स आएगा एग्जाम में, 6 मार्क आएगा, मार्क्स 6 मार्क। उसके बाद आपका चैप्टर क्या है, पॉलीनोमियल्स। इसमें आपको मिलेगा 5 मार्क एग्जाम में, इसमें से आएगा। और उसके बाद आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल,
टोटल 11 मार्क्स का आएगा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेन मार्क्स का आएगा। देन ट्राइंगल, फिफ्टीन मार्क्स। ट्रिगोनोमेट्री, थर्टीन मार्क्स। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का कितने कितने मार्क्स आएगा हम सभी अच्छे से फोकस करेंगे। मैं इसका एक पिक्चर में भेज रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका सभी चैप्टर्स का मार्क्स, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे ये चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रिग्नोमेट्री में फोकस करेंगे, इसमें से 14 मार्क्स आ रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि 14 से हम कैसे 10 टू 12 मार्क स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही सब स्पेसिफिक टॉपिक्स लेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं एग्जाम में भी। तो इसके हिसाब से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल में किसी भी चैनल में जा सकते हो, वो क्या होता है कि लाइट्स, डेकोरेशन, एडिटिंग बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आप लोगों को देखने में मजा आ सकता है। लेकिन बिलीव मी गाइस, इफ यू वॉच माय वीडियोस देन यू गेट कॉन्सेप्ट नॉलेज, कॉन्सेप्ट नॉलेज। आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज इससे बेहतर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये भरोसा करके देखिए, दो तीन वीडियो देख के बोलिए। जो कॉन्सेप्ट नॉलेज मैं देने वाला हूँ वो आपको आगे जाके एंट्रेंस में मदद करेगा और आपको वो जो टेंथ के बोर्ड है एग्जाम में भी आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पता है किसी भी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सर्च करें यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का 45 फॉर्मूलाज एक फिगर में, ऐसा कितना कुछ मिलेगा। क्यों हम 45 फॉर्मूला याद रखें, हम 5 फॉर्मूला से जब सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 45 फॉर्मूला ही क्यों याद रखें। तो ऐसे ही उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियोज बनाने वाला हूँ। सो और एक बात है, तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो बनाने से पहले मेरा आपको और एक निवेदन है ये कि जो भी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं और जो कोई भी ये वीडियोस देख रहे हैं जो आगे देखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, तो कम से कम 100 कमेंट्स कीजिए, क्या आप देखना चाहते हैं या नहीं, इंटरेस्टेड है या नहीं। आप लोग थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे भी खुशी महसूस होगी और मैं दिल से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिनिमम 100 कमेंट्स चाहिए मुझे, आप ये वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और एक बात है, आपको मेरे वीडियो में कुछ कमियां भी मिल सकती है क्योंकि मैं भी पूरा परफेक्ट नहीं हूँ, तो किसी गलती हुआ है मुझसे ये वीडियो में भी कुछ भी कहीं पर भी, तो माफ कर दीजिए और आप मुझे बोल भी सकते हो, मैं गलती सुधार नेक्स्ट क्लास में मेरा मैं गलती सुधारूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब गलती करते हैं और जो सुधारते हैं वही अच्छा बनते हैं। तो फिर से मैं लास्ट में यही बोलने वाला हूँ, ये 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करने वाला है, जो मैथ में वीक है उनके लिए स्पेशली ये वीडियोज मेरा आने वाला है। तो आप लोगों को निवेदन है प्लीज कम से कम बहुत सारा शेयर कीजिए और जो भी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जो आगे जाकर देखने वाले हो, प्लीज कमेंट कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।